नमस्कार, मैं जगनपाल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था गेजेस के बारे में, तो गेजेस का क्या उपयोग होता है इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन में क्या उसका यूज किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो गेज का इंट्रोडक्शन ऑफ गेजेस, एडवांटेज ऑफ गेजेस, मतलब गेज का फायदा क्या है, फायदे लाभ क्या है, और उसके बाद में गेज के मुख्य प्रकार बताया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गेजेस में गेज को मास प्रोडक्शन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो गेज में आज का दूसरा टॉपिक है लिमिट गेजेस, कि लिमिट गेजेस में कितने प्रकार के गेजेस आते हैं। तो आज का टॉपिक है लिमिट गेजेस, और लिमिट गेजेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे लिमिट गेज में सबसे पहला गेज का प्रकार है प्लग गेज। तो मुख्यतः कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गेज का कार्य क्या है, कि मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी एक ही वस्तु का अधिक संख्या में उत्पादन करने की प्रक्रिया को मास प्रोडक्शन कहा जाता है। तो इस मास प्रोडक्शन में बार बार सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करना असंभव होता है, इसीलिए हम जिस प्रकार का पार्ट कोई भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग एक गेज तैयार कर सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड में। तो लिमिट गेजेस का इसका नाम लिमिट गेज इसलिए है कि कोई भी डायमेंशन में एक लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है और दूसरी लोअर लिमिट होती है। तो कोई भी डायमेंशन को चेक करते समय उसमें टॉलरेंस दिया जाता है। तो टॉलरेंस दिया जाता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर बेसिक साइज 60 mm है और इसके ऊपर टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02 mm है, तो इसके लिए इसकी लोअर लिमिट हो गई 59.98 mm और इसकी अपर लिमिट हो गई 60.02 mm। तो अगर हम लोग जिस भी पार्ट को चेक कर रहे हैं तो गेज के द्वारा चेक करते समय वो गेज योग्य एक्यूरेसी में होना जरूरी है। तो प्लग गेज देखो, प्लग गेज का प्रयोग किसी भी पार्ट के इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। तो प्लग गेज में दो भाग होते हैं, एक गो और दूसरा नॉट गो। इसका मीनिंग यह है कि गो जो पोर्शन है, वो जो इंटरनल डायमीटर हम लोग जॉब का चेक कर रहे हैं उसमें ये आसानी से जाना चाहिए, और नॉट गो पोर्शन होता है ये नहीं जाना चाहिए। अगर गो पोर्शन पार्ट में आसानी से नहीं जाता है तो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, यह हम लोगों को समझना है। तो इस प्रकार कम से कम समय में चेक करने के लिए गेजेस का प्रयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, टेपर प्लग गेज। तो सिर्फ प्लग गेज का प्रयोग हम लोगों ने सिलेंड्रिकल पोर्शन को इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए किया है, तो उसी प्रकार सिर्फ टेपर प्लग गेज का प्रयोग जो भी ड्रिलिंग होल टेपर पोर्शन में हो, टेपर के प्रकार आप लोगों को बताऊंगे, एक मोर स्टेपर और दूसरा जर्नो स्टेपर। तो जो भी टेपर को हम लोगों को चेक करना है तो उस स्टैंडर्ड टेपर में इस टेपर प्लग गेज को बनाया जाता है और उसके इंटरनल डायमीटर को चेक किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव गेज। तो प्रोग्रेसिव गेज में दो प्रकार के गेज होते हैं। अभी देखो गो और नॉट गो ये क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्रोग्रेसिव गेज में एक सिंगल एंडेड होता है और दूसरा डबल एंडेड होता है। तो सिंगल एंडेड गेज में गो और नॉट गो ये एक ही साइड में होता है, और गो और नॉट गो इसको पहचानना कैसे है, तो पहचानने के लिए गो का पोर्शन थोड़ा लंबा होता है, अधिक होता है, और नॉट गो का पोर्शन गो की तुलना में छोटा होता है, और गो गेज का डायमीटर लो लिमिट में होता है और नॉट गो का हाई लिमिट में होता है। तो लिमिट के ऊपर भी हम लोग गो और नॉट गो यह डायमेंशंस पहचान सकते हैं, तो इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव गेज कहा जाता है। तो प्रोग्रेसिव गेज में दो प्रकार के गेज है, सिंगल एंडेड और दूसरा डबल एंडेड। तो डबल एंडेड में गेज के दोनों साइड में गो और नॉट गो है, और सिंगल एंडेड में एक ही साइड में गो भी है और नॉट गो भी है। तो ये दो गेज है जिसमें
गो गेज होता है लोअर लिमिट में और नाटगो गेज होता है अपर लिमिट में। तो ये डायमेंशंस की लिमिट के ऊपर इसे कोई भी डायमेंशंस को चेक किया जा सकता है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि गेज का अधिकतर प्रयोग क्यों किया जाता है, कि समय की बचत के लिए, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में एक ही वस्तु का उत्पादन में समय की बचत के लिए गेजेस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में थ्रेड प्लग गेज और रिंग गेज के बारे में पढ़ेंगे, और थ्रेड प्लग गेज और रिंग गेज में क्या फर्क है। जैसे हम लोगों ने स्नैप गेज को इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर चेक करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले अभी थ्रेड प्लग गेज। तो थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि प्लग गेजेस, तो प्लग गेज का प्रयोग क्या होता है, इंटरनल डायमीटर को, सिलेंड्रिकल पोर्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। तो वैसे ही सेम प्लग गेज के समान थ्रेड प्लग गेज है, लेकिन थ्रेड प्लग गेज के ऊपर गो या नो गो पोर्शन पर थ्रेड कटे होते हैं। तो इसका प्रयोग जो इंटरनल सिलेंड्रिकल पोर्शन में थ्रेड काटे जाते हैं उस थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए। तो सेम रिंग गेजेस का प्रयोग, रिंग गेज में दो प्रकार के गेज होते हैं, एक प्लेन और दूसरा थ्रेड रिंग गेज। ये है थ्रेड रिंग गेज और ये है प्लेन रिंग गेज। जैसे हमने इंटरनल थ्रेड को या इंटरनल सिलेंड्रिकल पोर्शन को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज या प्लग गेज का प्रयोग किया, तो वैसे ही अगर एक्सटर्नल थ्रेड को अगर चेक करना है, बाहरी चूड़ियों को अगर चेक करना है, तो रिंग गेजेस का प्रयोग करेंगे। रिंग गेज में दो प्रकार के गेज होते हैं, एक थ्रेड रिंग गेज और दूसरा प्लेन। तो प्लेन में हम लोग एक विदाउट थ्रेड वाला पोर्शन जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करेंगे, और एक्सटर्नल जिसमें थ्रेड कटे होते हैं उस थ्रेड को चेक करने के लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो रिंग गेज के बाद हम लोग दूसरा गेज का प्रकार पढ़ने वाले हैं, यह है स्नैप गेज। जैसे हमने प्लग गेज पढ़ा है, प्लग गेज का प्रयोग होता है इंटरनल सिलेंड्रिकल पोर्शन को चेक करने के लिए, सिलेंड्रिकल भाग को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उल्टा सिर्फ एक्सटर्नल कोई भी सरफेस हो या कोई भी पार्ट हो उसे चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो स्नैप गेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड और दूसरा एडजस्टेबल होता है। यह है एक नंबर का सॉलिड, तो यह है सॉलिड स्नैप गेज। तो एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के डायमेंशन को चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो एडजस्टेबल में यहाँ पे एडजस्टिंग पिन लगी होती है, तो ये पिन को हम लोग एडजस्ट करके उसके डायमेंशन सेट करने के बाद सेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये हुआ स्नैप गेज के बारे में। तो गेज यह यूज करते समय एडजस्टेबल में दो गाइड पिन लगी होती है, तो दो गाइड पिन को हम लोग एडजस्ट करके उसकी अपर लिमिट और हायर लिमिट क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये सॉलिड और एडजस्टेबल का फर्क है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नंबर का गेज पढ़ने वाले हैं, सेंटर गेज। तो सेंटर गेज का प्रयोग क्या होता है, कि हम लोग जब कोई लेथ कार्य करते हैं, लेथ के ऊपर कार्य करते हैं, तो लेथ में थ्रेडिंग करने के लिए या टीथ काटने के लिए, चूड़ियां काटने के लिए एक कटिंग टूल को शार्प करने की जरूरत होती है। जितने एंगल की हम लोग चूड़ियां काटते हैं उतना ही एंगल में एक टूल को ग्राइंड करना पड़ता है, ग्राइंडिंग करके उसको बनाना पड़ता है। या उसके अलावा हम लोग कोई ड्रिलिंग कार्य करते हैं, तो ड्रिल बिट को धार लगाना ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ड्रिल बिट को धार लगाते समय उसको उसका एंगल चेक कैसे करना है, तो किस मटेरियल के ऊपर ड्रिल का कितना एंगल होना चाहिए, ये ड्रिल को ग्राइंडिंग करते समय आसान
आसानी से चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन के ऊपर थ्रेडिंग कार्य करने के लिए जो टूल्स होता है वो टूल्स को योग्य एंगल में ग्राइंडिंग करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। और सेंटर गेज में 60 डिग्री का एंगल बना होता है, एक 55 डिग्री का और 47.5, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के एंगल कटे हुए होते हैं जो कि टूल्स को ग्राइंडिंग करते समय हम लोग आसानी से उसे चेक कर सकते हैं, ताकि जो भी चूड़ी कटिंग करने जा रहे हैं उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। तो लिमिट गेजेस में हम लोग लास्ट नंबर का गेज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रिल गेज। तो हम लोग ड्रिलिंग कार्य करने के लिए ड्रिल बिट जो होते हैं वो अनेक साइज में उपलब्ध होते हैं, तो उसकी अलग अलग साइज को गिनना मतलब हर एक बार एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ती है। तो उससे भी कम समय में हम लोग ड्रिल का साइज को पता करने के लिए एक ड्रिल गेज होता है, ये एक सीट होती है, छोटी सी सीट के ऊपर ड्रिल करके उसके डायमेंशंस उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। जो ड्रिल की शांक होती है ये होल से मैच करके हम लोग उसकी साइज आसानी से और टाइम की बचत करते हुए उसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें 0.5 से लेके 0.5 से आगे बढ़ 1 mm, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे अनेक साइज के होल्स यहाँ पे उपलब्ध होते हैं जिससे हम लोग आसानी से किसी भी ड्रिल की साइज आसानी से चेक कर सकते हैं।